तो गाइस अभी अभी एक सीन ऐसा हुआ है कि हमें लगा कि आपके साथ भी शेयर किया जाए। कर रहे हो अकेले अकेले? टायर पंचर हो गया यार, फर्स्ट टाइम टायर पंचर हो गया। गाड़ी के साथ नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एफटीसी व्लॉग। तो भाई कर रहे हैं एक नया सफ़र दोबारा स्टार्ट गुजरात के लिए, और अभी रात को गाड़ी लोड करके आ चुकी थी, कल ही लोड करके लाया था। गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है, तो यहाँ से कर रहे हैं हम लोग भाई टैंकी फुल, दोनों टैंकियाँ यहाँ से फुल करेंगे, फिर DF वगैरह जो है वो डलवाएँगे उधर से जाके पंजाब से, क्योंकि ऑनलाइन ही चलवाएँगे इसलिए हम पंजाब से डलवाने वाले हैं। तो गाड़ी की हालत देख लो कितनी बनी हुई है, तीन चक्कर से, ये तीसरा चक्कर है, गाड़ी को वॉश नहीं करवा, अगला चक्कर आके करवा। डीजल है 83। एक टैंकी फुल हो चुकी है, भाई यूरिया तो इधर भी है पर यहाँ से नहीं डलवाई क्योंकि ये ऑनलाइन नहीं है, तो ऑनलाइन ना हमें चाहिए टाटा से, कल को कोई पंगा ना पड़े। चलो भाई अपनी दोनों टैंकियाँ हो चुकी हैं फुल और निकल चुके हैं हम यहाँ से पंप से बाहर, और हम पिछले चक्कर का हम आपको बता देते हैं, हमारी गाड़ी ने 1180 लीटर डीजल पूरा जम्मू से मोरबी से जम्मू से श्रीनगर से जम्मू आके 1180 लीटर डीजल पूरा टैंकी फुल टू फुल हिसाब है, और अब दोबारा निकल चुकी है सेम जगह सेम वही जहाँ हम पिछले चक्कर गए थे। और हम लोगों ने ये प्लानिंग की है कि हम ब्लॉग अब क्योंकि यहाँ क्या ब्लॉग बनाएंगे बार बार, अब ये करेंगे पूरा एक चक्कर लगा के पूरा एक ही ब्लॉग अपलोड किया करेंगे, चाहे आधा घंटा हो आगे एक घंटा हो जितना भी पूरा उसी हिसाब से करेंगे। और चले भाई फास्टैग का भी अपना थोड़ा बहुत मसला हल हो चुका है पहले से, मतलब रिचार्ज वगैरह हो रहा है फास्टैग का, तो अभी पहुंच चुके हैं हमारा फर्स्ट फास्टैग रिचार्ज कर लिया हमने 10,000 का, और पूरा बताएंगे हम आपको इस चक्कर क्या क्या हमारा खर्चा आने वाला है। बहुत सारे लोगों की यही डिमांड थी कि बताओ यार क्या खर्चा आता है, तो इंशाल्लाह इस चक्कर हम आपको सब कुछ बताएंगे कि क्या क्या खर्चा आता है इस रूट पर, क्या होने वाला है, क्या माल लोड किया है, क्या भर के आ रहे हैं, क्या खाली कर रहे हैं, क्या रेट जा रहे हैं, मतलब पूरा कंप्लीट बताएंगे। तो चले मिलते हैं आपसे, आ गया फर्स्ट फास्टैग। पंजाब इंटर हो चुके हैं, तो अभी आगे आ रहा है ढाबा, वहाँ पे रुकेंगे, गाड़ी को ग्रीस वगैरह करवाएंगे, फिल्टर एयर फिल्टर साफ कराएंगे। जब हम श्रीनगर की तरफ गए थे तो यहीं से हमने ग्रीस वगैरह करवाई थी, एयर फिल्टर वगैरह साफ करवाया था, तो श्रीनगर से वापस आते तक का गाड़ी की हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। क्यों खाली साहब? राइट तो अभी हम यहाँ पर गाड़ी को करवाएंगे ग्रीस, पहुंचने वाले हैं हम लोग ढाबे पे, ढाबे पे कौन आ गया कौन? चले भाई मिलते हैं आपको सीधा ढाबे पे जाके। पहुंच चुके हैं भाई हम लोग ढाबे पे, यहाँ पे हम गाड़ी को थोड़ा ग्रीस वगैरह करवाएंगे, थोड़ा करवाएंगे पूरा करवा ले, पूरे करवा लेते हैं यार। ग्रीस वगैरह हो गई है भाई अपनी, तो अब सिर्फ रह चुका है फिल्टर, फिर
फिल्टर करने के बाद सब निकल जाएंगे हम यहाँ से चाय वगैरह पी के। सर पार कर लिया भैया, अभी हम पहुंचने वाले हैं तरन तरन वाले रोड पे और इस साइड हमारा लंगर पानी स्टार्ट है। हमारी काली उस्ताद बना रहे हैं, दाल और चावल बना के इधर रखी है। और ये है भाई अपना तरन तरन वाला रोड। लेफ्ट लेंगे सर्कस रोड, फिर राइट रोड देंगे। ये देखिए ये रोड वो है जो जलंधर से अमृतसर की तरफ आता है। तो फाइनली भाई हम लोग पहुंच गए इधर, यहाँ पे क्या बोलते हैं तरन तरन टोल पे, और अपना खाना बन के रेडी है। खाने की यार बेशक सेहत खराब है, फिर केक की खाना आप यहाँ पे खाएंगे। अभी आप खाना खा के फिर अपना सफर कंटिन्यू करेंगे। और गाड़ी के लिए लिए भाई स्टार गोल्ड पाल्च गाड़ी को मारने के लिए, काली फ्री बैठता था ना। तो खा पी के भाई अपना सफर कंटिन्यू कर लिया, और साथ में ही बंदे को शिफ्ट चेंज कर दी है, शिफ्ट लगा अपनी है। और निकल पड़े हैं भाई जीरो तरन तरन से। टाइम हो गया दिन का 1:45, तो चलो देखते हैं गंगानगर कितने बजे तक पहुँचेंगे। आज का हमारा रूट रहेगा जीरा, फिरोजपुर, फजलका, अब और गंगानगर। फाइनली भाई हम लोग पहुंच चुके हैं फिरोजपुर, और यहाँ पे एक आप स्टैचू देख सकते हो कितना अच्छा बना है। आगे बनाओ आगे आ गए। ये है भाई फिरोजपुर का फर्स्ट चौक, यहाँ पे कटती थी पहले चुंगी, पर अब कटने बंद हो चुके हैं। पहुंचने वाले हैं भाई, बस थोड़ा सा ही रह चुका है यहाँ से ओवर, और उसके बाद गंगानगर टैंकी ओवर से बोल करानी गंगानगर से। और इस बंदे का देख लो भूख इस टाइम पे लग चुकी है। और चले भाई धीरे धीरे पहुंच चुके हैं गंगानगर से। पहले पंप पे बार रखता, बहुत बड़ा पंप है, यहाँ पे रुके हैं, डीजल वगैरह फुल करवाएंगे, साथ में अपना खाना पीने का सिस्टम करेंगे हल। पीछे लगी है गाड़ी, आप लोग देख सकते हो, और क्योंकि यहाँ से हम डलवाएंगे राजस्थान में, महंगा यहाँ पे 88 रुपीस लीटर डीजल दिखाते हैं हम। देखिए यहाँ पर खड़ी है गाड़ी, अपनी करवा रही है टैंकी फुल, और बहुत बड़ा पंप है आप देख सकते हो। आज हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो चुका है, और देखो आज ये अकेला ही लगा हुआ है। तो देखो अकेला भाई साहब क्या कर रहे हो अकेले अकेले? टायर पंचर हो गया यार, फर्स्ट टाइम कार टायर पंचर हो गया। आज ही स्टफनी को घर पे खोल के आए थे इधर टायर। स्टफनी किसने बोला खोलने के लिए? यार खोल दी, अभी दो टायर लिफ्ट वाला खोल के आगे करेंगे, फिर उसके बाद आगे काम करेंगे। फोन को छोड़ दे, काम कर आगे बढ़वा दे। करो करो, रह गए दो चार नट रह गए उसके बाद। उसके होती है
इसके चार नट रह गए। रुके हैं भाई आके यहाँ पे ढाबे पे, क्योंकि भूख लग चुकी है, खाना वगैरह खाएंगे यहाँ पे। फिर उस साथ में एक गाड़ी अपनी और आ रही है 41-43, उसका भी वेट कर रहे हैं। वो आगे से आ रही है, यहाँ गंगानगर से लौट की है इन्होंने श्रीनगर का, वो आ रही है गाड़ी, दिखाते हैं हम आगे से। गंगानगर से जम्मू का माल लौट किया उन्होंने, तो चलें खाना वगैरह खाते हैं साथ में, दोनों मिल के खाएँगे फिर निकलेंगे। ये आ रही है अपनी गाड़ी भाई, बीकानेर पहुंचने वाले हैं। तो गाइस अभी अभी एक सीन ऐसा हुआ है कि हमें लगा कि आपके साथ भी शेयर किया जाए। क्यों भाई गाली साहब? सीन ये हुआ है कि ये जो आगे ट्रेलर चल रहे हैं घोड़े, मतलब इन्होंने एक दूसरे के साथ ऐसे चिपका के गाड़ियां रखी हुई थी कि मतलब आगे वाले ने एक ने ब्रेक मारी है, अगर ये पीछे वाला इसको घोड़े को कच्चे में नहीं उतारता तो मतलब यहाँ पे सीन एक बहुत ही भयंकर हो जाना था। तो हमारा कहने का यही मतलब है भाई, देखो अब भी देखो ये कितना बिल्कुल चिपके चल रहा है। देखो अब आगे वाला गाड़ी वाला ब्रेक लगाएगा तो क्या बनेगा, देख लो जी अब लिया इसने पास। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि कम से कम भी अपनी गाड़ी कंट्रोल में रखें, इतनी कंट्रोल में रखें कि जब कोई ऐसा सीन हो तो बंदा गाड़ी कंट्रोल कर पाए। ये देखिएगा अब एक पास कर रहा है, दूसरा भी साथ साथ में पास कर रहा है, ये बस यहीं पे गंदी ड्राइवरी शुरू हो जाती है। तो हमें तो भाई घोड़े वालों से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि कम से कम यार बच के चले यार। तो ये मैंने सोचा कि चलो शेयर कर दें, क्योंकि अगर आप किसी भी के पीछे चल रहे हो उसमें इतना बैलेंस रखो कि आप कल को वो आगे वाला ब्रेक भी लगाए, आपकी ब्रेक लगने से गाड़ी रुक जाए। और ये सीन है, बाकी और कुछ नहीं रहा, बहुत ही मतलब खतरनाक सीन होने वाला था, खतरनाक वाला। क्या कहना आपका, आपने तो लाइव देखा भाई? लाइव देखा, देखा ना, और इसने ब्रेक मारी, मेरे को भी नींद खुल गया। इतना नहीं होता प्यार गोरिये, इतना ही चलता प्यार। We'll be right back.